Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class prep 2, Vishay Hindi. आज हम सीखेंगे अंग की मात्रा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड, आई एम आल्सो फाइन। और बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अपनी हिंदी की बुक में? फटाफट से स्वर्गान वाली बुक निकाल लीजिए, फटाफट से निकाल लीजिए बेटा। निकाल ली, वेरी गुड। अब देखिए इसमें निकालिए पेज नंबर 57। यस बेटा, लास्ट वीडियो में हमने किसकी मात्रा करी थी? बड़े ओ की, है ना। आज हम किसकी मात्रा करेंगे? छोटी अंक की। किसकी करेंगे? छोटी अंक की। छोटी अंक से अंगूर, छोटी अंक से अंगूर, ठीक है। सबसे पहले छोटी अंक की मात्रा होती कैसी है, ठीक है? छोटी अंक की मात्रा बेटा कैसी होती है? छोटी अंक की मात्रा एक बिंदी की तरह लगाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे एक बिंदी की तरह लगाई जाती है, ठीक है, एक डॉट लगाई जाती है, ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर। कहाँ पे लगाई जाती है? किसी भी अक्षर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा का, तो का में हम कहाँ मात्रा लगाएंगे बताइए? कहाँ लगाएंगे? ऊपर, ठीक है, ऐसे छोटी सी डॉट लगाएंगे, ठीक है, कहाँ लगाएंगे? ऊपर। ये कहाँ लगेगी? किसी भी अक्षर के ऊपर। गा लिखा तो कहाँ पर लगेगी? गा के ऊपर, ठीक है। ये किसकी मात्रा है? अंक की। किसकी मात्रा है? अंक की। किसकी? अंक की, ठीक है। अब देखिए इसका स्वर कैसा निकलता है, ठीक है। ये क्या है? अंग। क्या है? छोटी अंग से अंगूर, ठीक है। तो इसका स्वर कैसा निकलता है देखिए, ये किसी भी अक्षर पे जब ऊपर लग जाती है तो इसका स्वर कैसा निकलता है? जैसे का पे लग गई तो क्या निकला? कंग। क्या निकला? कंग, ठीक है। ये स्वर मुंह से और नाक से दोनों से निकलता है, ठीक है। वो होती है छोटी अंग की मात्रा, ठीक है। इसका स्वर कैसा होता है? अंग। कैसा होता है? अंक का। कैसा होता है? अंक का। जैसे गा पे लगी तो क्या हो गया? गा को, गा को हम क्या बोलेंगे? गंग, ठीक है। अगर लगा पापर, पापर लगी मात्रा तो क्या बोलेंगे इसको हम? पंग। क्या बोलेंगे? पंग, ठीक है। नाक और मुंह दोनों से स्वर निकलेगा इसका, कैसे बोलेंगे? पंग, ठीक है। अगर देखिए हमने लगा दिया इसका खापर, खापर लगाया तो कैसे बोलेंगे हम? खन, ठीक है। कैसे बोलेंगे? खन, ठीक है। अब अपनी फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए, फटाफट से नोटबुक, पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। निकाल ली। अब लिखिए मेरे साथ नंबर वन, लिखिए पा, पा लिखिए। यस, पा के बाद क्या लगाएंगे हम? अंक की मात्रा। यस, ऐसे ऊपर एक बिंदु लगा दीजिए। यस, उसके बाद लिखिए खा, ठीक है बेटा। क्या लिखा उसके बाद? खा, ठीक है। आप देखिए पढ़िए इसको, मैंने क्या बताया था? पापे अंक की मात्रा लगेगी, कैसे बोलेंगे हम? क्या हो जाएगा ये? पंग। क्या हो गया? पंग। फिर ये क्या है? खा। खा पे कोई मात्रा नहीं है, हम इसको सीधा खा बोलेंगे, ख, ठीक है। तो अब मिला के बोलिए प, प, पंख। क्या क्या बोला ये? पंख। क्या? प, पापे अंक की मात्रा और फिर खा क्या बोलेंगे? पंख, ठीक है, पंख, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पंख, ठीक है, पापे अंक की मात्रा और खा क्या बन गया ये? पंख, ठीक है। अब देखिए लिखिए नंबर टू, शा लिखिए। यस, शा लिखिए बेटा, फिर अंक की मात्रा, वेरी गुड, और फिर दोबारा से खा लिखिए। खा, खा लिखिए बेटा, लिख लिया। अब पढ़े मेरे साथ मिला के बोलिएगा, शा, शा पे अंक की मात्रा और फिर खा। तो हम शा को कैसे बोलेंगे? शा पे अंक की मात्रा है, शा को कैसे बोलेंगे? शंख। क्या बोलेंगे? शंख, ठीक है, शंख, और फिर खा। इसमें हमने खा को मिला दिया, खा पे कोई मात्रा नहीं है, सीधे से खा बोलेंगे, तो क्या हो गया ये? शंख, शंख, ठीक है। देखो शा पे ना थोड़ा सा वो हो रहा है ना, अंक की मात्रा हो रही है, शंख, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, शंख, शंख, लिखिए शंख, शंख लिखिए बेटा, वेरी गुड। अब लिखिए नंबर थर्ड, हा लिखिए, हा। यस, हा लिख लिया। अब अंक की मात्रा लगाइए ऊपर। यस, अब लिखिए
अब लिखिए रा, लिख लिया। अब देखिए इसको मेरे साथ मिला के बोलिए, बोलिए मिला के, बा बा पे अंग की मात्रा क्या बन गया, क्या बन गया, ब, क्या बन गया, ब, ठीक है। फिर दा दा और फिर उसके बाद रा, इन पे कोई मात्रा नहीं है, इनको हम सीधे से दा बोलेंगे और रा को रा बोलेंगे, ठीक है। तो मिला के बोलिए, बन द र, क्या बन गया, बन द र, क्या बन गया, बंदर, लिखिए बंदर, बन द र, लिखिए बंदर, यस। अब लिखिए नंबर फाइव, पा लिखिए, पा, यस पा लिख लिया। अब लिखिए ता, यस, फिर लगाइए अंग की मात्रा, लिख लिया। अब लिखिए गा, लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए मिला के बोलिए, पा, पा पे कोई मात्रा नहीं है, पा, ता, ता पे क्या है, क्या है ता पे, किसकी मात्रा है ये, अंक की मात्रा, ठीक है, ता पे क्या है, अंक की मात्रा। तो कैसे बोलेंगे, क्या बताया था, अंक की मात्रा लगेगी तो इसका स्वर कैसा हो जाएगा, तंग तंग, ठीक है। फिर क्या है, ग, ठीक है। फिर ता, ता पे किसकी मात्रा है, अंक की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे इसको, तंग, ठीक है। फिर क्या है, ग, तो मिला के बोलिए क्या बन गया ये, पतंग, क्या बना, लिखिए पतंग, ठीक है, क्या बन गया, पतंग, ओके बेटा। अब देखिए अब इसको मेरे साथ रिवाइज करिए, बोलिए पा, पा पे अंक की मात्रा और फिर था, क्या बन गया, पंख, ठीक है, पा अंक की मात्रा तो क्या बन गया, पंख, ठीक है, पंख। फिर शा, शा पे अंक की मात्रा और क्या बन गया, खा, क्या है, खा, तो मिला के बोलिए क्या बनेगा, शंख, ठीक है, क्या बनेगा, शंख। शा में अंक का साउंड आ रहा है ना, तो क्या बनेगा, शंख, ठीक है। फिर क्या है, हा, हा पे अंक की मात्रा और फिर श, क्या है, स, तो क्या बनेगा, हंस, क्या है, हंस, ठीक है। फिर बा, बा पे अंक की मात्रा, दा, फिर उसके बाद रा, तो क्या बनेगा मिला के, बंदर, बंदर। बा, बा पे किसकी मात्रा आ रही है, अंक की, तो क्या बनेगा, बन, ठीक है, बंदर। फिर क्या है, पा, फिर ता, ता पे अंक की मात्रा और गा, तो क्या बनेगा ये, पतंग, ता पे किसकी मात्रा आ रही है, अंक की मात्रा, ठीक है, पतंग, ठीक है। जिस पे भी अंक की मात्रा आएगी उसका असर कैसे निकलेगा, अंका, ठीक है, कैसा निकलेगा, अंका, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे मिला मिला के बोलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से बोलना आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा लिखना पढ़ना। अब देखिए ये क्या है, झा, फिर क्या है, डा, डा पे आ की मात्रा, क्या बन गया ये, झा पे अंक की मात्रा है, क्या बोलेंगे, झंडा, ठीक है। फिर क्या है, बा, सॉरी, फिर क्या है, सा, सा पे अंक की मात्रा, ता, और फिर रा, रा पे आ की मात्रा, तो क्या बन गया ये, क्या बन गया बेटा, संतरा, ठीक है, संतरा। फिर घा, घा, फिर क्या है, घा पे अंक की मात्रा और फिर रा, रा पे ई की मात्रा, क्या बन गया, घड़ी, ठीक है, क्या बन गया, घड़ी। फिर पा, पा पे अंक की मात्रा, फिर खा, खा पे आ की मात्रा, तो क्या बन गया, पंखा, ठीक है, पंखा, ओके। अब देखिए आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क, आप ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, धीरे धीरे मिला मिला के बोलेंगे, ओके। और जहाँ भी जैसे जो मात्रा आती है ना, उसको हम थोड़ा धीरा बोलते हैं, तो हमें समझ आया, थोड़ा सा रुक के बोलेंगे, जैसे रा, रा पे अंक की मात्रा क्या बोलेंगे, रंग, ठीक है, जैसे रंग, ठीक है, समझ आया, रंग, ठीक है। और जो आपकी दूसरी वाली बुक है, दूसरी वाली जो बुक है आपकी, स्वर लेखन वाली बुक, उसमें पेज नंबर 42, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44, ये तीनों आप लोगों के होमवर्क है, ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस क्लास, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर होमवर्क। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में अंक की मात्रा का अभ्यास करें व गृह कार्य पूर्ण करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।